हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम माइंड्स एंड टीम चैनल। फ्रेंड्स, मैं अपनी क्लासेस में ऑब्जर्व कर रही हूँ जब मैं बच्चों को थ्री लेटर वर्ड्स या टू लेटर वर्ड्स पढ़ा रही हूँ, और कुछ पेरेंट्स भी ये शिकायत करते हैं कि अगर बच्चों को आ जाता है साउंड लाइक एक्ट मैट है, तो भी बच्चे क्यों हर बार जब भी वो वर्ड को देखते हैं तो भी वो इंडिविजुअल लेटर के साउंड से पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे जैसे वर्ड को देख रहे हैं तो वो एक्ट मैट एट पैट हर बार इंडिविजुअल लेटर का साउंड बनाकर ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग रीडिंग में फ्लुएंसी कैसे लेकर आए, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। टू लेटर वर्ड या फिर थ्री लेटर वर्ड्स जब आपने बच्चों को सिखा दिया है, आपके बच्चों को आ गया है, फिर उनमें फ्लुएंसी कैसे लेकर आए ताकि जो उनकी रीडिंग हो सीवीसी वर्ड के जो पैसेजेस है उन्हीं में, बट उनकी रीडिंग थोड़ी सी फास्ट हो और फ्लुएंसी के साथ हो, सो दैट व्हेन आगे जाके वो थोड़े बड़े वर्ड पढ़े और उनसे पैसेजेस पढ़े या स्टोरीज पढ़े तो जल्दी से रीड कर सके। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है फ्रेंड्स। मैं यही अपने अपने यहाँ पर जो मेरे पास बच्चे हैं या जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं उनके साथ भी मैं ऐसे ही रीडिंग प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, सो दैट उनकी जो है फ्लुएंसी है वो बेटर हो। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो लोग चैनल में न्यू है हमें पॉजिटिव और अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम अगले और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे जिस तरह से आप अपने बच्चे को प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो थोड़ा फ्लुएंसी के साथ पढ़े, जो उनको आता है वो भी उनको कैसे प्रैक्टिस कराना है ये। यस फ्रेंड्स, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बच्चों की टू लेटर या थ्री लेटर वर्ड्स की फ्लुएंसी, या फिर अगर आप फोर लेटर वर्ड्स भी बोलना चाह रहे हैं लेकिन फ्लुएंसी किस तरह से बढ़ाएं, तो ये मेरे पास एक बुक है माई फर्स्ट बुक ऑफ फोनिक्स वर्ड। इस बुक का रिव्यू मैं पहले कर चुकी हूँ, मैं आपको जो लिंक है वो आई बटन में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ईजीली आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगी। प्राइस इसका अभी मुझे याद नहीं है, मैंने अमेज़ॉन से काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर की थी, बट आपको ये बुक ईजीली मिल जाएगी। तो ये बुक मैं किस लिए आपको बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपको रीडिंग फ्लुएंसी का इशू है, ये देखिए इस बुक में ऑलमोस्ट सभी फोनिक टॉपिक के वर्ड्स हैं, और किस तरह से वर्ड है वो देखिए, जो बहुत ज़रूरी है वो है राइमिंग वर्ड या वर्ड फैमिली के पैटर्न में। तो जिन लोगों की ये शिकायत है कि बच्चा हर जगह जहाँ भी देखता है लाइक एट कैट पढ़ा, फिर सडनली अगर उसने एट सैट पढ़ा तो भी वो क्यों ऐसे एट एट अलग अलग क्यों पढ़ रहा है, ऐसे सैट कैट क्यों नहीं पढ़ रहा, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका बच्चा इस स्टेज पे है कि बच्चा अभी रीड कर रहा है और हर वर्ड को लाइक थ्री लेटर वर्ड जो उसको आ गया है वो उसको ब्लेंड कर रहा है बार बार हर बार, तो आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा कराइए। इसका मतलब अभी कम प्रैक्टिस है बच्चे की, तो हमको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, राइमिंग वर्ड्स के पैटर्न पर। एक फैमिली वर्ड्स एक दिन लीजिए और पहले उस बच्चे को जितने पॉसिबल वर्ड्स है वो सारे रिवाइज कराइए, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं। सो ये फर्स्ट क्या है, एट वर्ड्स, जिस तरह से मैं बच्चों को दिखाती हूँ ये एट है, सो एंडिंग सभी में एट है बिकॉज ऑल दीज आर द राइमिंग वर्ड्स, सिमिलर एंडिंग साउंड है। सो बच्चे को खाली फर्स्ट लेटर बोलना है, फर्स्ट लेटर का साउंड लेना है और उसके बाद उसका राइमिंग वर्ड का सेम साउंड है, एंडिंग साउंड। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चे सेम साउंड के वर्ड्स को पहचानेंगे, उनको उन वर्ड्स की रीडिंग पहले ज़्यादा कराइए, जिससे क्या होगा वो वर्ड्स आप जितनी बार उनको प्रैक्टिस कराएंगे फिर आप नोटिस करेंगे कि जब भी वो बच्चे बाद में वो वर्ड्स देखते हैं वो फटाफट कैट मैट या फिर रैट पढ़ देते हैं, वो हर बार साउंड नहीं बना रहे हैं। दूसरी बात, जब बच्चे रीडिंग कर ले रहे हैं आपको उसके बाद बच्चों को सिखाना है कि जब बच्चे ब एड इस तरह से पढ़ रहे हैं, आप बच्चों को बोलिए कि बच्चों साउंड जो है वो आपको इन हार्ट बोलना है, जैसे बिना आवाज़ किए, फिर आपको जब वर्ड समझ में आ जाए आप उस वर्ड को लाउडर बोलो, बैड डैड इस तरह से, फिर क्या होगा कि थोड़ा सा बच्चों का फ्लुएंसी भी बेटर लगेगा और आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे हर वर्ड को ब एड बड एड नहीं पढ़ेंगे। ये हैबिट भी बच्चों को होनी ज़रूरी है, वरना बच्चों की जब सीनियर केजी में बच्चे आ जाते हैं तभी भी बच्चों की यही हैबिट रहती है और वो लाउडर हर लेटर को साउंड से पढ़ पढ़ के बोलते हैं। तो ये दो टिप्स आप यूज़ कीजिए, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके बच्चों में फ्लुएंसी आ रही है, वो बहुत जल्दी ये वर्ड्स पढ़ रहे हैं। ये जो बुक है इस बुक में
बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि राइमिंग वर्ड्स हैं। जो भी साउंड ऊपर दिया हुआ है जैसे ए, उसी राइमिंग में बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस और फ्लुएंसी इंक्रीज करने के लिए साउंड वर्ड्स की ये बेस्ट है। आपको साथ साथ साइट वर्ड्स का भी ध्यान रखना है ताकि आप जो सेंटेंसेस की रीडिंग बोल रहे हैं उनमें फ्लुएंसी आ सके। ये मैं साउंड वर्ड्स की बात बता रही हूँ। तो ये साउंड इस तरह से जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनके थ्रू आप पढ़ाएंगे, चाहे वो थ्री लेटर वर्ड्स हो या फिर फाइव लेटर वर्ड्स हो। इन वर्ड्स में भी आप अगर राइमिंग वर्ड्स से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों की रीडिंग जल्दी होगी। फिर जब बच्चे यही साउंड यही वर्ड कहीं और देखेंगे तो वो फास्ट पढ़ेंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि आपने उनको प्रैक्टिस बहुत सारी कराई है। तो सेम वर्ड्स के साथ पहले प्रैक्टिस कराइए, उसके बाद जब बच्चों की थोड़ी स्पीड अच्छी हो जाए, क्योंकि मेरे पास एक बुक है ये वाली, ये किसी स्कूल की बुक है। अगर आपको आप लोगों के पास नहीं है तो आप कुछ इस तरह का पैटर्न बनाइए जिसमें एक राइमिंग वर्ड, जिसमें राइमिंग वर्ड नहीं है, एंडिंग साउंड भी अलग है और वावल भी अलग है। फिर क्या होगा, जब बच्चे सेम साउंड पढ़ के जब उनकी फ्लुएंसी आएगी उसके बाद हम उनको इस तरह से, जैसे एक लेटर सेम है बाकी दोनों अलग, जैसे ल ऑग ल इप ल इट, इस तरह से वर्ड की प्रैक्टिस कराएंगे। तो जब बच्चे इस तरह से अलग अलग लेटर के साथ, मतलब वावल सिर्फ चेंज करके या फिर इस तरह से रीडिंग आप कराएंगे तो उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो जब बाद में आपका बच्चा सिमिलर लेटर से भी अलग अलग वर्ड देखेगा तो उसको भी वो बहुत जल्दी पढ़ लेगा। और बच्चे जो है वो हर वर्ड में फैट फैट फन फन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनको करेक्ट वे में प्रैक्टिस कराई है। आपके पास ये बुक नहीं होगी क्योंकि ये जो बुक है वो किसी शॉप से नहीं मिलेगी, ये स्कूल की पर्टिकुलर बुक है। मेरे पास ये बुक है इसलिए मैं बच्चों को इसी से करा रही हूँ। आप इस तरह के पैटर्न से एक एक लेटर चेंज करके कुछ कुछ वर्ड्स प्रिपेयर कर सकते हैं और उस तरह से एक कुछ ऐसे 10 वर्ड्स या 15 वर्ड्स का पैटर्न बनाकर बच्चों को रिवाइज करा सकते हैं, जिसमें कहीं अ साउंड हो तो कहीं ए साउंड कर दीजिए, कहीं ये गैप है तो इसके बाद गेट कर दीजिए। तो बच्चे जब गैप गेट गॉट पॉट ऑन ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे, भले ही स्टार्टिंग में धीरे पढ़े लेकिन धीरे धीरे जो है वो फ्लुएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आप यूज़ करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इन टिप्स को यूज़ करके बच्चों में रीडिंग में फ़ायदा हुआ या नहीं, और अगला और भी आपको किस तरह की चीज़ों को बच्चों को लर्न कराने में या फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं जितना हो सकेगा उतना आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने का ट्राई करूँगी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी। जो बच्चे रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें ऑलमोस्ट सभी फोनिक साउंड्स के वर्ड हैं विद राइमिंग, जो कि मैंने आपको बताया जो सबसे पहले जिस तरह से रीड कराया जाता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अभी कमेंट करिए कि आपको वीडियो में हमारी सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगती है। बाय बाय।